खबर शिवपुरी जिले की बैराट तहसील से है, जहां पर बैराट थाने में मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक 15 तारीख को गोपालपुर रोड से बैराट पुलिस ने एक किसान को शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद आज मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे भारतीय किसान संघ ने पुलिस थाना बैराट पर व्यक्ति के विरुद्ध शराब के नशे में वाहन चलाने का पुलिस के द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करने के संबंध में प्रदर्शन कर थाना प्रभारी नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद थाना प्रभारी बैराट नवीन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में अजब सिंह शराब पीकर वाहन चला रहा था। ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसके बाद ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि सरकार ने कई नियम लागू की है, निवेदन करते हुए शराब पीकर वाहन ना चलाएं और आरटीओ की गाइडलाइन का पालन करें। तो वहीं दूसरी ओर फरियादी किसान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मैंने शराब नहीं पी थी, जब मशीन के द्वारा मेरी चेकिंग ही गई तो 3% अल्कोहल बताया था, फिर भी मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। हम खेत में काम करने आए थे। किसका खेत था? मेरा, हमारा बताया जा रहा था, हम कटिया से जमीन करते हैं। अच्छा, कौन कौन थे आप? मैं थे, जी थे, हमारे दोस्त साथ थे। मेरा नाम रवि जाटव, जी अजब सिंह है, वे अकय राज, हम तीनों आ रहे थे खेत से। तो हम खेत का रोड क्रॉस कर लिया, हमने बैंक पुलिस पकड़ ले। अच्छा, काय के लिए पकड़ ली? लो तुम दारू पी गाड़ी चला रहे हैं, मिल गई हमने दारू नहीं पी। फिर उसके बाद ला गए, काम ही कर दी, कोर्ट भेज दिया, कोर्ट में 15,000 जुर्माना बुला। फिर आप लोग आज यहाँ आए थे, यहाँ क्या क्या? इसी के कारण आए थे कि हम झूठे फसाए गए। अच्छा, हमने कुछ दारू चोरी की? नहीं, तो अभी क्या बोला इन्होंने? अभी नो कोई समझते दारू पी है, कार्रवाई हो चुका है, कोर्ट में लड़ा जाएगी। अच्छा, ठीक। शाम को फोन लगाया, रविवार की बात है, अपना किसान कार्यक्रम साहब बैराट भाई जो खेत से अपने गांव जा रहा था रिश्तेदार के साथ, तो बैराट पुलिस ने उनको वहाँ पकड़ के कई प्रकरण के मुझे केस लगा दी। इस मामले में आज बैराट के कार्यक्रम साहब ने श्रीमान थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की बात करी। थाने पे क्यों आए थे तुम? थाने साहब, हम खेत से आ रहे थे। कहाँ पर? खेत से घर को। नहीं, कौन से गांव? सगतपुर। सगतपुर में जा रहे थे, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया। अच्छा, और मतलब देखा पड़ी करके हमें बंद कर दिया। काय के चक्कर में रोक लिया? दारू पी है कहीं आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद थाना ले आए, थाना कार्रवाई कर दी उन्होंने। अच्छा, तो आपकी चेकिंग की गया आप दारू पिए हो या नहीं पिए हो? की थी सर, उसमें आई नहीं थी। उसमें नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, आप लोग थाने पे आए थे तो इनका क्या कहना है? इनका क्या कहना है जी? कहना जी है कि क्या मैंने दारू पी थी उस दिन पूरे दिन? नहीं, और सब लोग मिले थे, सब पूरे दिन चेकिंग की तो एक ही आप ही मिले? नहीं, चेकिंग वहाँ, चेकिंग पहले मैं मुझे पकड़ा। अच्छा, और कितने केस बनाए थे उन्हें पूछो? ये को नहीं, ये को नहीं, दारू पी गई दारू पी। हाँ, मैं जो इसमें एक और अवैध नशे का जो कारोबार चल रहा है उसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। अन्नदाता जो देश का भरण पोषण कर रहा है, केस से जा रहा था, उसको पकड़ लिया है। यहाँ दम लगाया ना पुलिस, इसमें यहाँ कई किसानों के घर बर्बाद हो रहे हैं, तहसील क्षेत्र में रह कौन रहा है, किसान ही तो है सब, स्मैक का, गांजे का, कहीं चट्टे का, तो बर्बाद ही हो रहे हैं लोग। इस पर ध्यान देना चाहिए पुलिस को, ना कि किसानों को गलत तरीके से रोका जाए। पहले का 2 महीने का पहले का मामला था, सामने आया था, उधर खाद वितरण हुआ था, इधर पुलिस की चेकिंग चली थी, किसान खाद ले आ रहे थे, मोटरसाइकिलों को रोका जा रहा था। पकड़ के मामले में शराब के नशे में गाड़ी चलाने को लेकर जो ज्ञापन दिया है उसके संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? 15 तारीख की शाम को थाना बैराट ने वाहन चेकिंग लगाई थी, जिसमें संबंधित व्यक्ति शराब पीते हुए मोटरसाइकिल चलाते हुए मिला था, जिसके ब्रीथ एनालाइजर मशीन से उसकी चेकिंग की गई थी, है ना। उसमें चेकिंग में उस पर अल्कोहल कंज्यूम होना पाया गया था, कि अल्कोहल शराब के नशे में पाया गया था। वो मेडिकल करा के सिद्धासा तैयार करके न्यायालय पेश किया गया है और उसको समझाई दी गई कि न्यायालय में जाकर अपनी कार्रवाई कराए। 15 तारीख को चेकिंग लगाई गई थी, चेकिंग के दौरान कितने लोगों को पकड़ा गया था? चेकिंग के दौरान 2 लोगों पर कार्रवाई की गई थी, एक 185 में जो अल्कोहल कंज्यूम हुआ था, एक दूसरी कार्रवाई भी की गई थी 126 निवेदन है। और आप लोग भी सभी बताएं कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं,
सरकार ने कड़ा दंड दिया है कि शराब पीकर आए दिन वाहन चलाने से दुर्घटनाएं घटित होती हैं, और मेरा जनहित में निवेदन है सभी लोगों से कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। तो कार्यकर्ता आए थे तो उनको क्या, इन लोगों को बता दिया गया है, उन लोगों को बताया कि हमारी ड्यूटी कार्रवाई की गई, लेकिन अब समझाइश दी गई कि उनको मशीन के द्वारा चेक किया गया था, मेडिकल कराया गया था, उसमें अल्कोहल पाया गया था, तब जाके पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। धन्यवाद।